नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम यूनिट 3 एमपी ज्योग्राफी का टेस्ट देखेंगे, ठीक है। और टेस्ट सीरीज का डिस्कशन चल रहा है, इसके पहले भी हम कई बार डिस्कशन करा चुके हैं और आप लोगों के अच्छे स्कोर भी इसी वजह से आते हैं। तो आप लोग ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और जब इस वीडियो को मतलब हर एक टेस्ट जो करवाया जा रहा है उसके अगर एक एक वीडियो को 1000 लाइक्स आ जाता है तो उसकी पीडीएफ हम ऑलरेडी डाल देंगे। शुरू में अभी तक 3 वीडियो करवाए जा चुके हैं, 3 टेस्ट करवाए जा चुके हैं और उसकी पीडीएफ ऑलरेडी डाल दी गई। लेकिन आज से आप एक टारगेट देते हैं आप लोग को कि 1000 लाइक्स आएंगे एक वीडियो पर, इसी वीडियो पर, तो हम इसकी पीडीएफ ऑलरेडी डाल देंगे आंसर की के साथ, ठीक है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपको इसके पहले आपको बता दूं कि यदि आप लोगों ने इसका एमपीपीएससी प्रीलिम्स स्ट्रेटजी का वीडियो नहीं देखा है, खासकर अभी जो डाला गया है एक वीक पहले 2020 और 2021 के जो पेपर है उसके एनालिसिस के ऊपर डाला गया है और उसमें यह बताया गया है कि आपको कौन सी यूनिट ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए, ज़्यादा पढ़नी चाहिए, ज़्यादा रिविजन करना चाहिए, जिसकी वजह से आपके क्वेश्चन सही हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होना चाहिए और 150 प्लस स्कोर कैसे लाए इसके लिए रणनीति जरूरी होती है, उसके ऊपर प्लानिंग करनी होती है, उसके हिसाब से ही आपके स्कोर आते हैं। ऐसे हवा हवाई में कुछ भी पढ़ लेने से नंबर नहीं आते कभी भी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें और जाकर के वीडियो जरूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन पढ़ लिया जाएगा, आपको ऑप्शन देखना है और आंसर सुनना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली आदिवासी महिला नेता प्रतिपक्ष कौन थी? महिला नेता प्रतिपक्ष पूछा गया है पहली, तो कौन हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा जमुना देवी, जिसे बुआ जी भी बोला जाता है, ठीक है। दुनिया की पहली भीली फिल्म फैजल की शूटिंग, फैजल नहीं है या फैसला है, ठीक है, ऐसा टाइप की मिस्टेक हो जाता है, कि शूटिंग कहाँ हुई थी पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, झाबुआ में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि उपर्युक्त कथन किस जनजाति के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन देख लीजिए। पहला कथन बोल रहा है कि इनका मुख्य देवता लोहासुर है, दूसरा बोल रहा है यह अपने देवता को काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं, कौन सी जनजाति है ये? इसका राइट आंसर हो जाएगा अगारिया जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में सहारिया जनजाति का निवास स्थल कौन सा है? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर बताएंगे इसके बाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, ठीक है। सहारिया जनजाति उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, मतलब ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर इस टाइप का जिले की बात की जा रही है। साज वृक्ष किस जनजाति का प्रमुख वृक्ष है पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, और जो क्वेश्चन खासकर इंपॉर्टेंट बोला जाए तो उस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अपना कि जंगल कला के जनक जनगण सिंह श्याम का संबंध किस जनजाति से पूछा गया है, ठीक। राइट आंसर जान लीजिए इसका, हो जाएगा गोंड जनजाति से। गोंड को अपना बड़ा भाई मानने वाली जनजाति कौन सी है? गोंड को जो बड़ा भाई मानती है कौन सी जाति है? ये हो जाएगा भारिया जनजाति हो जाएगी। जोड़ी का मिलान करना है, जनजाति और उपजातियाँ दी गई है और इसका मिलान अच्छे से तरीके से कर लीजिए, फिर इसका राइट आंसर बता देते हैं, ठीक है। थोड़ा वेट कर लेते हैं आप लोग के लिए, अब तक आप लोगों ने मिलान कर लिया होगा मुझे लगता है। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंड। गोंड का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोयला भूतीस, ठीक। फिर उसके बाद अपनी भील, भील का भिलाला हो जाएगा, ठीक। बेगा का हो जाएगा बिजवार या बिजावर, और फिर उसके बाद कोरकू का हो जाएगा दुलारिया, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका बाद। नेक्स्ट है कि साथीदार अभियान का संबंध किस जनजाति से पूछा गया? साथीदार अभियान, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति से। नेक्स्ट है कि जमुना देवी को किस अन्य नाम से जाना जाता है पूछा गया है? जमुना देवी जो पहली नेता प्रतिपक्ष थी, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको और उसको वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया, ठीक है। लीला एल्विन किस जनजाति से संबंधित है? लीला एल्विन, यहाँ पे आपने एक का और नाम याद आ रहा होगा आपको, बैरियर एल्विन भी नाम याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो पहले इसका राइट आंसर बताओ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बेगा जनजाति से संबंधित है, ठीक है, लीला एल्विन। और ये कौन है? ये है बैरियर एल्विन, उनकी पत्नी है, ठीक है। तो इन्होंने दोनों पति पत्नी ने जनजाति पर अनुसंधान किया था और बैरियर एल्विन की बुक है द बेगास, तो इसको आप आंसर राइटिंग में भी लिखेंगे तो वो भी काम में आता है। मतलब ये सब चीज़ें आपकी स्कोर करने की चीज़ें हैं, ये सब बहुत कम चीज़ें आपको बताई जाती है और हम कोशिश करते हैं कि जब आंसर राइटिंग करवाते तब आपको बताई जाए, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किस रचना के लिए हरिशंकर परसाई को 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पूछा गया? हरिशंकर परसाई की बात हो रही है, ठीक है, ईयर भी देख लो 1982 और साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात हो रही है। राइट आंसर हो जाएगा विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है। नेक्स्ट है कि कालिदास की किस रचना में शिव पार्वती विवाह और कार्तिकेय के जन्म से संबंधित धार्मिक कथा है, कौन सी है और फेमस है ये तो फिर सभी को पता होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका कुमार संभवम, कुमार से समझ में आ रहा है आपको, ठीक है।
शतक काव्य के रचनाकार कौन है? इजी क्वेश्चन है, सभी बना लेंगे, जल्दी से बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब भर्तृहरि। ठीक है, नीति शतक, संगा शतक, ये आपने नाम सुने होंगे। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म किस जिले में हुआ था पूछा गया है। ठीक है, राइट आंसर जान लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदापुरम में, आपको पता होगा, बाबई में। बाबई गाँव का नाम भी पता होना चाहिए, फिर उसका माखनलाल नगर कर दिया गया नाम, होशंगाबाद जिले में आता है। ठीक है, और माता समर्पण, युगचरण, कृष्ण अर्जुन युद्ध, इस टाइप की रचनाएं इनकी है। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के चक्कर में वीडियो बड़ा बनता है, इस वजह से कोशिश करेंगे कि कम जानकारी में वीडियो जल्दी से जल्दी आपको दे दें। पद्माकर ने अलीजाह प्रकाश की रचना किसके दरबार में की थी पूछा गया था। किसके दरबार में, किस राजा के दरबार में थे पद्माकर जी जिन्होंने अलीजाह प्रकाश की रचना की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दौलतराव सिंधिया के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मिला तेज से तेज निम्न में से किस साहित्यकार की जीवनी है पूछा गया है। राइट आंसर देख लीजिए इसका, सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सुभद्रा कुमारी चौहान। निम्न में से कौन सी रचना बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित नहीं है? देख लीजिए, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की अगर सभी रचनाएं पता हो तो इसमें से जान लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, परिक्रमा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि लाठी और भैंस रचना संबंधित है। लाठी और भैंस रचना किससे संबंधित है पूछा गया है, तो यह हो जाएगा अपना राइट आंसर मुल्ला रघुजी से। औरत जात है ना, इस टाइप की शादी बारात, इस टाइप की जो रचनाएं हैं सब इन्हीं की, मुल्ला रघुजी की। और गुलाबी उर्दू का जनक बोला जाता है इनको। ये चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। भवानी प्रसाद मिश्र को किस वर्ष उनकी भी रचना बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जिसको भी मिला हिंदी रचना के लिए, वो जरूर देखना। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी हो गए, हिम तरंगिनी के लिए भवानी प्रसाद मिश्र हो गए, तो ये सब देख लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो इसका ईयर बताना आपको, तो ईयर बताओ क्या हो जाएगा। राइट आंसर 1962 हो जाएगा। भूत के पांव पीछे व्यंग किसकी रचना है पूछा गया है, व्यंग रचना है ये, तो किसकी हो जाएगी भूत के पांव पीछे? और सभी को पता है इसका राइट आंसर, हरिशंकर प्रसाई की बात करेंगे। ठीक है, भूत के पांव पीछे, ठेठा दोहा, गणतंत्र। आलाखंड को संग्रह करने का श्रेय किस अंग्रेज अधिकारी को दिया जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स इलियट। जगनिक का पूरा नाम क्या है पूछा गया, जगनिक। ठीक है, राइट आंसर देख लो, ऑप्शन चूज कर लो पहले, फिर उसके बाद इसका राइट आंसर बता देते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जगनिक राव। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि भारतीय तट रक्षक सेना ने एक तट रक्षक जहाज का नाम इनके नाम पर रखा है। भारतीय डाकतार विभाग ने इनके सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया है। उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में सही है पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौड़ जनजाति की उपजाति और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जोड़ी का मिलान कीजिए। उपजातीय कार्य, तो यहाँ पे दी गई है ओझा, सोलहा, सकारिया, कोयला, भूतीस, यहाँ पे उसके कार्य दिए गए, तो आपको इसका मिलान करना है। ठीक है, मिलान कर लीजिए, इसका राइट आंसर बताते हैं। ऑप्शन चौथा ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए अभी अच्छे से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब क्या हो जाएगा, पहले का बी हो जाएगा, ओझा पुजारी। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा सोलहास बढ़ाईगिरी करता है। ठीक है, थर्ड अगारिया हो जाएगा जो लोहे का कार्य करते हैं, और इसके बाद क्या बचता है, कोयला भूतीस जो कि नाचने गाने का कार्य करते हैं। भात भाजी किस जनजाति का रात्रि भोजन है? भात और भाजी, भात मतलब चावल की बात की जा रही है, उसको भात बोला जाता है जनजाति में। तो राइट आंसर हो जाएगा बेगा। नेक्स्ट है कि बामनी दादर पॉइंट मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में है? बामनी दादर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कान्हा में। बरमान घाट किस जिले में अवस्थित है पूछा गया। बरमान घाट, क्वेश्चन को एक से दो बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या चीज़ है। ठीक, तो बरमान घाट कहाँ है, नरसिंहपुर में हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि भीमकुंड किस जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल है पूछा गया, भीमकुंड। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका छतरपुर। निम्न कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर कुछ कथन है, पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको समझ में। यहाँ जमुना प्रपात अवस्थित है, यहाँ उपस्थित एक गुफा में प्राकृतिक शिवलिंग जिसके सामने भस्मासुर कुंड है। तीसरा पॉइंट है, ये बोला जा रहा है कि पूर्व में इसे हरवत्स कोट कहा जाता था। उपयुक्त कथन किस स्थल के संदर्भ में सही है पूछा गया। राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पचमढ़ी के बारे में बात हो रही है ये। दर्शनीय स्थल गुप्त गोदावरी कहाँ अवस्थित है पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो राइट आंसर आपको पता चल जाएगा, चित्रकूट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को द्रविड़ों का वंशज मानती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बेगा। और हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके पास वीडियो आए, 15 मिनट में कोशिश करते हैं हम लोग। इसके पहले हमने कई वीडियो डाले जो 15-15 मिनट में आपको सामने करवा दिए गए, ताकि आपका समय बचे, क्योंकि 50 दिन बचे, 50 से भी कम दिन बचे अब तो। ठीक है, दूध लौटावा प्रथा संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है दूध लौटावा प्रथा, आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, विवाह से हो जाएगा। मृत्यु या हत्या निम्न में से किसकी रचना है पूछा है। मृत्यु या हत्या बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं नजर आती, लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगा जब आंसर आप जानोगे, तो ये हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
हिंदी के प्रसिद्ध कवि माधवराव सप्रे का जन्म किस जिले में हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी चीज़ें। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना माधवराव सप्रे जी के जन्म हुआ है दमोह में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और इनकी रचना एक जो इंपॉर्टेंट है वो है एक टोकरी मिट्टी भर, यह एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी इनकी रचना है। केशव दास ने रसिक प्रिया नामक ग्रंथ किसकी प्रेरणा से लिखा था? केशव दास ने रसिक प्रिया लिखा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राय प्रवीण के ऊपर लिखा था। और इसके बारे में आपको पता होगा कि भाई ये कहाँ पर कौन क्या था, थोड़ी सी जानकारी के तौर पर ये बता देते हैं कि ओरछा नरेश इंद्रजीत के दरबार में थी ये, तो उसके ऊपर लिखा गया था। हम विस्पाई जन्म के किसकी रचना पूछा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने बी, मतलब बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कवि भूषण का उपनाम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपको सभी को पता इजी है, जटाशंकर हो जाएगा। ठीक है, टिक मार देते ताकि आपको अच्छे से हो। निम्न में से दुनिया का प्रथम उपन्यास माना जाता है, दुनिया का प्रथम उपन्यास कौन सा है? आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कादंबरी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न साहित्यकारों में से किसका जन्म होशंगाबाद जिले में नहीं हुआ था, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा डी, चंद्रकांत देवताले, बैतूल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद के उपर्युक्त कथन निम्न में से किससे संबंधित है पूछा गया। पहला कथन है कि इनका जन्म नीमच जिले में हुआ, दूसरा बोल रहा है कि दो टुक भावी रक्षक देश के इनकी प्रमुख रचना है, तीसरा है कि चटक महाराज चंपा आई जाओ मैदान में मालवी भाषा में रचित इनकी प्रमुख कविता है, और यह राज्य में अर्जुन सिंह के मंत्रिमंडल में खाद्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी रहे थे। किसके बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है हमारी बाल कवि बैरागी जी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और इनका मूल नाम पूछ लिया गया था, आपको पता होगा, आपने प्रीलिम्स तो देते रहते होंगे आप लोग, तो आपको पता होगा। ठीक है, नीमच से संबंधित है। ठीक है, इनका मूल नाम क्या है वो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, देख लेते हैं कितने लोग को याद है इसका। नेक्स्ट है कि अमृतलाल पिघल को उनके किस रचना के लिए वर्ष 2004 में साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, सौंदर्य की देवी नर्मदा, ऐसा बोला जाता है, या सौंदर्यनी नदी नर्मदा। निम्न में से कौन सी रचना चंद्रकांत देवताले की नहीं है पूछा गया, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी, एक और देवदास, बाकी सभी इनकी रचनाएं और सभी इंपॉर्टेंट है। लकड़ बग्गा हसरा है, हड्डियों में छिपा जर, रोशनी के मैदान की तरफ। कवि प्रदीप का मूल नाम पूछा गया, तो कवि प्रदीप का मूल नाम क्या हो जाएगा? रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी। और इन्होंने कौन सा गीत लिखा था आप लोग को पता होगा, मुझे लगता है सभी को पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो फिर कोई बात ही नहीं है, अब बता देता हूँ। वैसे ए मेरे वतन के लोग जो रचना की गई थी इनके द्वारा ही की गई थी। ठीक है, 45वां नंबर का क्वेश्चन है कि मिट्टी की बारात निम्न में से किसके साहित्यकार की काव्य रचना है? मिट्टी की बारात किसने लिखी है? डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जोड़ी का मिलान करना है, साहित्यकार और उनकी रचना दी गई है, हरिशंकर प्रसाई, सरज जोशी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन गजानन, माधव मुक्ति बोध। तो ऑप्शन देख लीजिए और मिलान करना है इसका। ठीक है, तो मिलान कीजिए, तो अब तक मिलान कर लिया होगा आपने। पहले देख लेते हैं कि हरिशंकर प्रसाई जी की रचना कौन सी है पूछा गया, तो ये तो हो जाएगा तुलसीदास चंदन घिसे। ठीक, फिर उसके बाद जाएगा सरज जोशी एकता गाथा, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन की तोरमिला हो जाएगी, गजनन माधव मुक्तिबोध की हो जाएगी काट का सपना। राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से किसने आदिवासियों को पिछड़े हिंदू कहा है पूछा गया है, 47 नंबर का क्वेश्चन, गोविंद सदाशिव। नेक्स्ट है कि मृतक संसार में सिडोली प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में देखा जाता है या होता है? कौन सी जनजाति करती है ये? कोरकू जनजाति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब महर्षि वाल्मीकि को कौन सी जनजाति अपना प्रथम पितृपुरुष मानती है, कौन सी जनजाति है वो बताइए? सहरिया जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद कि कोल जनजाति के लोग गाँव के मुखिया को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई बताइए? राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना उपयुक्त सभी, मतलब चौधरी, गोटिया, महतो और महतो। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट थोड़ा सा इस तरीके से किए करते हैं कि सुनने में और देखने में ही अच्छा नहीं लगता। कई लोग ऐसे उठपटांग कमेंट करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग काम कर रहे हैं, एक तो फ्री में और उसका किसी प्रकार का चार्ज भी नहीं ले रहे हैं और निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, फिर भी आपके कमेंट ऐसे होते हैं कि काफ़ी बुरा सा लगता है। तो कमेंट थोड़ा सोच समझ के कीजिए कि क्या कर रहे हैं हम कमेंट। ठीक है, और तय समय पे सारी चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं, हमारा और आपका कोई बॉन्ड नहीं है फिर भी, लेकिन हम आपको एक फैमिली के तौर पे मानते हैं। हमारे जो 8,500 सब्सक्राइबर हैं, हम उसको ऐसा नहीं मानते कि ये फॉलोअर है हमारे। ठीक है, हम एक फैमिली का सदस्य मानते हैं, तो उनके लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं हम, और करते भी हैं, कोशिश करते हैं कि जितना समय मिल पाता है उसमें आपके लिए काम करें। तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा और सपोर्ट अपना बनाए रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हम लोग के लिए भी, थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है कि चलिए हमारी पब्लिक और हमारे जो दोस्त लोग, मित्र लोग, भाई बहन, बंधु लोग हैं, ये हमें बहुत प्यार करते हैं और उनकी तरफ से हमें प्रॉपर सपोर्ट मिलता है, तो हमें काम करने में भी मज़ा आता है। इसके बाद हम लोग एमपी
इकोनॉमिक सर्वे और बजट, और इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे और बजट के ऊपर भी वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर उठपटांग अगर कमेंट आएंगे तो फिर मोरल डाउन होता है, फिर वो चीज़ें नहीं करने का मन करता है। ठीक है, तो एक दो लोग के चक्कर में ये सब चीज़ें सबको भुगतनी पड़ती है, तो थोड़ा सा सीख के आइए, अगर नहीं है आप में तो वो बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति उपजाति के लोग उड़द की दाल को पवित्र मानते, पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अगरिया। और नेक्स्ट है कि कोरकू का शाब्दिक अर्थ पूछा गया, कोरकू जनजाति का जो कोरकू शब्द है वो उसका अर्थ पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, मनुष्य का समूह। कौन सी जनजाति सिख धर्म से प्रभावित है, पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना बंजारा। नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्न में से किस जनजाति के लोग अतिथियों के लिए पृथक कमरा बनाते हैं जिसे बंगला कहा जाता है, कौन सी जनजाति है वो, ये हो जाएगा अपना गोंड। ठीक, नेक्स्ट है कि किस जनजाति के लोग खेतों में हल का प्रयोग नहीं करते हैं, पूछा गया हल का प्रयोग नहीं करते, कौन सी जनजाति है वो खेतों में, ये हो जाएगा बेगा जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि लामा नहीं क्या है, लामा नहीं, ठीक, राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना जनजाति व्यक्ति। ठीक है, और जनजाति व्यक्ति में प्रचलित एक विवाह है ये मान लीजिए, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि गौंड जनजाति में वर द्वारा वधु बोले नहीं चुकाने की स्थिति में वर भावी ससुर के यहाँ सेवा करता है, तो उसे ही इसे लामानाई कहा जाता है या सेवा विवाह भी कहा जाता है। ठीक है, तो लामानाई एक व्यक्ति होता है जो ससुर के यहाँ जा कर के सेवा करता है, वो दहेज नहीं दे पाता है, तो ये बात होती है, इसे लामानाई व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, भील पुरुषों द्वारा कमर से घुटनों तक पहने जाने वाले तंग धोती कहलाती है, भील पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है वो, इसका राइट आंसर होगा ढेपाड़ा। पातालकोट नामक स्थान किस जिले में, पूछा गया, सभी को बताया छिंदवाड़ा, तुरंत बता देंगे। जोड़ी का मिलान कीजिए, जोड़ी का मिलान कर लीजिए, थोड़ा छोटा कर देते ताकि अच्छे से दिख जाए आपको। हलवा सहारिया गोल पारधी, मिलाइए भाई, राइट आंसर बताते हैं इसका फिर उसके बाद, तो मिला लिया होगा अभी तक आपने, तो इसको देख लेते हैं। हलवा जनजाति हो जाएगी अपने बालाघाट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसका जो सहारिया श्योपुर से बता दिया था थोड़ी देर पहले, उसका था कि कोल जनजाति हो जाएगी रीवा सीधी सिंगरौली, और पारधी हो जाएगी भोपाल रायसेन सीहोर। ठीक, भीलों के मकान को किस नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, इसलिए तुरंत बताएंगे, कू बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट के उपरुक्त कथन किस जनजाति को संदर्भित करते हैं, पूछा गया। पहला बोला है इन्हें कर्नल जेम्स टोड ने वनपुत्र कहा है, पूछा गया, बोला गया इनके सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली देवता राजपंथा है। तीसरा बोल रहा है कि इतिहासकार टॉलेमी ने इन्हें फिलाइट कहा। और चौथा बोल रहा है यह संसार की सबसे अधिक रंग प्रिय जनजाति है, किस जनजाति के बारे में बात हो रही है, ये हो रही है बात भील जनजाति के बारे में। ठीक है, कौन सी जनजाति विश्व में प्रथम कपड़ा बनाने वाली जनजाति है, पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए जान लो राइट आंसर जल्दी से जल्दी, पनी का हो जाएगी। विवाह की चिथोड़ा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है, पूछा गया, विवाह की चिथोड़ा प्रथा तो किस जनजाति में प्रचलित है, ये कोरकू जनजाति में है। ठीक है, याद रखना। आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी, पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है, तो याद रखो 1964 हो जाएगा। जनजाति शोध विकास संस्था कहाँ है, पूछा गया, जनजाति शोध विकास संस्था, ठीक है, तो कहाँ पर है ये भाई, ये हो जाएगा भोपाल में। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद कि मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल की पहाड़ी का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखा गया, कौन सी पहाड़ी है वो, यह पर्यटन स्थल है, पूछा गया, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, मतलब पचमढ़ी के बारे में बात हो रही है। मध्य प्रदेश पर्यटन निगम की गठन कब किया गया था, मध्य प्रदेश पर्यटन निगम का, ठीक, राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब 1978 में। नेक्स्ट है कि विश्व प्रसिद्ध कैक्टस गार्डन कहाँ अवस्थित है, पूछा गया, राइट आंसर हो जाएगा सिलाना, और सिलाना आपको पता होगा कहाँ पर है, यहाँ पे गार्डन भी है, तो फिर ये हो जाएगा अपना रतलाम। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन ग्राम कौन सा है, पर्यटन ग्राम, राइट आंसर हो जाएगा सी, खजुराहो। ठीक, और क्वेश्चन इसी टाइप से यही आते हैं, 1 से 2 लाइनर के ही आते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कोई कर दे रहा है तो फिर वो टेस्ट सीरीज लेने से कोई मतलब नहीं है। टेस्ट सीरीज कोई भी सस्ती सुंदर ले सकते हो, जिसमें आपको ये देखना है कि आपका नॉलेज का लेवल क्या है, आप कहीं कन्फ्यूज तो नहीं हो रहा है, सिली मिस्टेक्स तो नहीं कर रहा है, यही चीज़ जांचने के लिए आपको की जाती है। किसी भी टेस्ट सीरीज से ऐसा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिल जाएगा वहाँ पर कि वाह वाह कितनी अच्छी टेस्ट सीरीज थी, पूरे क्वेश्चन ऐसे आ गए, और जो ऐसी बातें करते जो ऐसा दावा करते हैं फिर तो वो MPSC को फेल कर रहे हैं। ठीक है, तो सोच समझ के आप लोग काम कीजिए। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्मित शौर्य स्मारक किस पहाड़ी पर है, पूछा गया है, किस पहाड़ी पर है भाई, सभी बताओ, अरेरा हिल हो जाएगा, और मत भोपाल में 5 जो हिल है उसका नाम कोई बता दे तो बहुत अच्छी बात है, 4 तो यहीं लिखी गई, 5वीं का नाम बताना। मध्य प्रदेश के किस नगर को गुप्त काशी भी कहा जाता है, पूछा गया है, 71, राइट आंसर हो जाएगा महेश्वर को। नेक्स्ट है कि फग्गन सिंह कुलस्ते किस सीट से लोकसभा सदस्य, फग्गन सिंह कुलस्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, पता रखना, हमेशा याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा मंडला। द डॉटेड लाइन्स पुस्तक किसकी आत्मकथा, पूछा गया है, द डॉटेड लाइन्स, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, मतलब भूरी भाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसके अनुशंसा पर मध्य प्रदेश की तेंदुपत्ता नीति लागू की गई थी, ठीक है,
तो ये आपको बताना है राइट आंसर, और बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है ये, आपको पता भी होना चाहिए। दिलीप सिंह भूरिया समिति के आपको पता होना चाहिए, तेंदूपत्ता का नीति लागू किया गया था, ठीक है। और दिलीप सिंह भूरिया आयोग भी है, और वो आयोग किससे जनजाति संबंधित है आपको बताना। गोंड शासक संग्राम सिंह का मूल नाम क्या है पूछा गया है, तो कौन है वो बताइए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ऑप्शन के हिसाब से पता चलेगा आपको। तो ये हो जाएगा आमन शाह, आमन शाह का मूल नाम संग्राम सिंह है, ठीक है। हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश नामक ग्रंथों की रचना किस गोंड शासक के द्वारा की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा, हृदय सहाय हो जाएगा। जमुना देवी के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है, असत्य कथन की बात हो रही है तो असत्य कथन को अच्छे से हमेशा ध्यान से देखना चाहिए। पहला बोल रहा है कि कुक्षी विधानसभा से विधायक रही थी जमुना देवी, प्रतिपक्ष नेता थी, पहली महिला, ठीक है, बुआ जी भी बोला जाता था इनको। झाबुआ रतलाम सीट से लोकसभा सदस्य रही, कभी भी राज्यसभा की सदस्य नहीं चुनी गई, पहले लोकसभा सदस्य रही, बाद में मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्य की चुनाव लड़ी थी या चुनाव चुनी गई, ये पूछा गया। तो राइट आंसर कौन सा पूछा बोला गया कि भाई गलत है देख लो, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कभी भी राज्यसभा की सदस्य नहीं रही, ये ऐसा बोला गया इनका, जो कि गलत है। ये 1978 से लेकर के 81 तक राज्यसभा की सदस्य रही थी, और पहली बार जो विधानसभा की सदस्य कब बनी थी पूछा गया, तो ये हो जाएगा 1985 में, ठीक है, 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंट्या भील पुरस्कार किन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश जनजाति युवा को दिया जाता है पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा एवं खेलकूद, और इसकी स्थापना की गई थी 2008 में, याद रखना, 1 लाख रुपए दिया जाता है, ठीक है। कुंडी खूनी भंडारा के बारे में बात हो रही है, सूखा भंडारा है, चिंता हरण भंडारा किस जिले में अवस्थित है, इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, इसका भी आंसर बुरहानपुर हो जाएगा, ठीक है। खाने खाना ने बनवाया था ये, आपको पता होगा, अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, और लगभग 1615 के आसपास की बात है ये, एग्जैक्ट 1615। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, अलीराजपुर। और जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो बिना किसी टेंशन के पढ़ाई करना है, बिना किसी प्रेशर के, थोड़ा बहुत प्रेशर होना भी चाहिए, नहीं तो उसके हिसाब से नहीं होगा तो फिर आप सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे। थोड़ा बहुत प्रेशर और टेंशन होना ही चाहिए, क्योंकि वो आपको तय समय में काम करने के बारे में जगाता रहता है आपको, ठीक है। 81 नंबर का क्वेश्चन हो गया था, भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को कहते हैं पूछा गया है, कौन सी कृषि होती है वो, चिमाता। कोरकू जनजाति के पुजारी को क्या कहा जाता है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमका, भूमका, ठीक। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि दिक्कत है तो फिर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, अपन उसके ऊपर थोड़ा और रिसर्च कर देंगे। वैसे यहाँ जितने क्वेश्चन बताए जाते हैं सभी सही होते हैं और क्रॉस चेक कर लिए जाते हैं। प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थल मंगलगिरी किस जिले में अवस्थित है पूछा गया है, 83 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा सागर में, ठीक, जैन तीर्थस्थल है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी रचना महाकवित कालिदास की नहीं है पूछा गया है, महाकवि कालिदास की कौन सी रचना नहीं है, इसमें आपको पता दी तीन ऐसे नाम है जो आपको शायद मेरे को नहीं लगता कि पता होंगे किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगत विनोद इनकी रचना नहीं है, ठीक है, ये पद्माकर भट्ट जी की रचना है, ये चीज़ याद रखना। पार्वती परिणय निम्न में से किसकी रचना है पूछा गया है, 85 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो राइट आंसर महाकवि बाणभट्ट की हो जाएगी। पंचमहली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है पूछा गया, पंचमहली बोली, पंचमहल बोल दो या फिर पंचमहली बोल दो, जो भी है, राइट आंसर हो जाएगा डी, चंबल में। मवासी बोली मुख्यतः किस जिले में बोली जाती है पूछा गया है, 87 नंबर का आंसर, तो छिंदवाड़ा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट है कि जोड़ी का मिलान करना है जनजाति और उप जनजाति दी गई, गोंड भील बेगा कोरकू, मिलाओ भाई उप जनजाति, तब तक इसका राइट आंसर बता देते हैं, ठीक है, मिला लिया होगा मुझे लगता है अभी तक, वीडियो को पॉज कर लिया करो आप लोग, ठीक है, ऐसे जब कूट मिलान की बात होती है तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं भाई, पहले का हो जाएगा डी, सोलहास हो जाएगा, ठीक, फिर उसके बाद अपना हो जाएगा भील, भील का हो जाएगा अपना पटालिया, बेगा का हो जाएगा अपना नाहर, और कोरकू का हो जाएगा बवारी, ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हर सिद्धि का मंदिर किस जिले में स्थित है पूछा गया, हर सिद्धि माता का मंदिर पूछा गया है, तो ए हो जाएगा राइट आंसर, उज्जैन। बेगाचक किस जिले में अवस्थित है पूछा गया, बेगाचक ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, तो पता रखो, और नहीं पता है तो अभी जान लो, राइट आंसर हो जाएगा डिंडोरी में। असंगत कथनों का चयन करना है, और इस टाइप के क्वेश्चन अभी पूछने लगा पीएससी, पहले नहीं पूछा करता था, तो इसमें टाइम ले लो। पहला बोल रहा है कि शरद जोशी की रचनाएं नई दुनिया के परिक्रमा नामक स्तंभ में लंबे समय तक प्रकाशित हुई। दूसरा भी बोल रहा है कि वाणी की व्यथा शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। मालती जोशी को शिवमंगल सिंह सुमन ने मालवा की मीरा का नीली रेखा तक भवानी मिश्र की रचना है पूछा गया, बोला गया, तो यहाँ पे आप लोग मिलाइए, फिर इसका राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कौन सी असंगत है पूछा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इसमें से कोई नहीं, सब सही।
टंट्या भील मंदिर किस जिले में स्थित है पूछा गया है। टंट्या भील मंदिर राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, मतलब खंडवा में हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। निम्न में से किसे साहित्य के वनांचल का केसरी कहा जाता है। साहित्य के वनांचल का केसरी, सो राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। ठीक, हनुवंतिया टापू कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर बताने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि होगी, आप सभी को पता होगा। ठीक है, और नहीं पता है तो जान लो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना खंडवा बी में। ठीक, नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा कल्पना नामक पत्रिका का संपादन किया गया था, पूछा 95 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्रा जी के बारे में बात हो रही है। ठीक, नेक्स्ट है, आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता कौन है। आनंद रघुनंदन, राइट आंसर है विश्वनाथ सिंह जुदो के बारे में बात हो रही है। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में वेश्यावृत्ति का प्रचलन पूछा गया है, कौन सी जनजाति है ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा बेड़िया। बेड़िया और सासी दो जनजाति ऐसी है जिसमें वेश्यावृत्ति का प्रचलन है, तो ठीक है, इसके लिए योजनाएं भी चली जा रही है और ये जनजाति का निवास स्थल आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दापा प्रथा का प्रचलन मध्य प्रदेश की किस जनजाति में है। दापा, राइट आंसर हो जाएगा इसका भील, और ये एक दहेज की प्रथा। ठीक है, भीलों में प्रचलित है ये दहेज की प्रथा दापा। हिंगोट युद्ध का आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ होता है। हिंगोट, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, और बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है ये हिंगोट और अपना गोटमार का, तो आप कंफ्यूज को होकर गलत करके आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंदौर के गौतमपुरा में होता है वो। आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्राकृतिक पर्यटन स्थल को मध्य प्रदेश की छत कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा पचमढ़ी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। देखिए, 26 मिनट में आपका वीडियो खत्म हो गया। कितनी भी अपन कोशिश कर ले, कितनी जानकारी कम बताएंगे, फिर भी अपना 25 मिनट का तो वीडियो बन जाएगा। फिर जल्दी जल्दी भागेंगे तो भी दिक्कत आ जाएगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इस स्पीड में आपके लिए ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताना कि सर कोशिश कीजिए कि 15 मिनट में वीडियो खत्म करें, तो वो भी अपन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें सीधा सीधा हम बताते चलें कि भाई टंट्या भील मंदिर किस जिले में स्थित है, तो सीधा अपन बताते हो चलो कि हाँ इसका राइट आंसर ये, इसका राइट आंसर ये, इसका राइट आंसर ये। ठीक है, तो उससे आपको क्या हो जाएगा कि कम समय में हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।